कल तुमने जो इंजी भाई के साथ किया है ना, वो इतने नाराज होके गए ना यहाँ से, उन्होंने मुझे शिकायत किया, रात को फोन किया कि मेरी उंगली में भी दर्द हो रहा है यार। उनकी फिंगर पे इतना कुछ शदीद इसने काटा है ना कि यार बहुत जोर से इस जगह पर जॉइंट पर, वो क्या उन्होंने मुझे मुझे रात को कहा कि यार अभी तक मुझे पेन हो रही है इस बदमाश की वजह से। तो यार अब आप लोग समझ गए कि ये मेरी लिली मेरी शहजादी है। ये देखें मैंने कितना ज़बरदस्ती किया हुआ ना, पूरा पकड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कहती मुझे नहीं कहती, कहती जय भाई आप जितना मर्जी प्यार करें जितनी मर्जी लाडियां करें मुझे कुछ भी नहीं है। तो यार वेलकम करो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप सब देख रहे हैं दौड़े डेजी की भाग 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 भाग। देखा मैंने क्या कहा था, ऐसे ऐसे गोल 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 भागती है, डेजी का यही काम है और कुछ नहीं है। दोस्तों मैंने कल आपको ना इनकी ब्रीडिंग दिखाई थी, माशाल्लाह यार बहुत अच्छी रिपोर्ट, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। काठा का हमने बॉक्स लगाया लेकिन काठे अभी ना एक और ज्यादती कर रहे थे। अब बॉक्स के ऊपर जो थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ दी ना, जो जायद से गलती होगी वो गलती की सजा ये है कि वो उन्होंने ऊपर अपना झुमड़ बना लिया। अब मैं क्या करूँ यार, कुछ करो यार, नीचे आओ यार, जिस मकसद के लिए तुम्हें बुलाया, सुन रहे हो ना मेरी बातें, करो यार कुछ यार, ऐसे ना करो। ज़बरदस्त आई लव यू, आज तुम लोगों को सिरके वाला पानी भी चलाना है, ताकि यार ये वाली जो है ना इसको थोड़ी चर्बी हुई हुई है, ये वाली तो इसको सिरके वाला पानी चलाना है ताकि यार ये भी सेट हो। बाकी नहीं, अपने अपने अलग अलग उन लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, एक फतेह जंग, एक लाहौर, एक मुल्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। ओ भाई यार बस कर दो ना यार, मेरा कितना इम्तिहान लोगे। एक ब्लू मास्क की वाहिद जो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा है इसमें पूरे पैर में वो, और एक वो कोने में आंटी अंकल जो मुझे आंटी मिली थी ना वो वाले, बस बाकी इसके अलावा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। आई लव यू सो मच, मुझे पता है होपफुली बहुत जल्द आपकी भी कोई अनाउंसमेंट होने लगी है, होगी तो फिर हम दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। आखिरी बात यहाँ पर आती है, गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हारी वजह से एक पूरे अस्ता बस्ता पैर इस घर में खुश बास उसको निकाल के ना मैंने उस तरफ जाके फेंका है, और तुम दोनों मायूस किया। इस तरफ आए तो यार इनकी चीख पीख इतनी है ना, और इनके शोर से मुझे 100% शोर होता है कि यार ये नज़दीक तो ब्रीड है, लेकिन यार इंजी भाई ने मुझे एक और टेंशन में डाल दिया। इंजी भाई कहते हैं तीनों मेल हैं, लेकिन अब जब अंडे आएंगे तो फिर ये चैलेंज पता चलेगा कि यार ये तीनों मेल हैं या नहीं। एंजी बेटा अभी नहीं, अभी मेरे पास लिली है, तुम बाहर निकले ना एक नवाले में अप कर जाएगी इसको, उसको थोड़ी पता है ये ट्रेनिंग। बाकी डेजी को हम जब खोलते हैं तो ये कहती है कि मेरे साथ ज्यादती को कर रहे हो, तुम्हारी टाइमिंग अलग है उसकी टाइमिंग अलग है। तो यार ओए यार ये माशाल्लाह अभी तक कोई भी नहीं आया, 1, 2, 3, 4 दिन हो गए हमें इसकी खिदमत करते हुए, अब तो हमें इससे प्यार होता जा रहा है यार। हम इसको अब हम इसको कैसे जुदा करें, जो चीज़ मेरे पास आई थी वो मेरे दिल के करीब आई थी, अब हम इसको कैसे जुदा करें, अब इसका कोई मालिक भी नहीं आ रहा और हमें टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि भाई इसका होगा क्या और कहां से इसका मालिक आएगा। नहीं मेहरबानी तेरी, रुक जा, बैठ जाने, चला जा थोड़ा घूम फिर ले। डेजी देख, डेजी ऐसा कुछ भी नहीं करना, ओके नो। डेजी को मैं समझा रहा हूँ कि कोई गलती ना करे यार, उसको समझा रहा हूँ तू मुझे कखियाँ काट ले, उसको मुझे समझा यार, रुक जा, नहीं करो, नहीं तंग करो, मुझे लॉक करने दो। अच्छा यार दोस्तों आज एक और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पैराडाइज गैंग ने ना माशाल्लाह एक अंडा और दे दिया है, तो आज तुम्हें छुट्टी मिलेगी जरूर मिलेगी, टेंशन नहीं लो। पहले मैं डेजी को बंद करूँ फिर आपको बाहर निकालूंगा, ऐसे नहीं। ओए मोहब्बतें चेक करें डेजी की, डेजी तो सही पेट लवर है यार, उसको कुछ भी नहीं कह रही, उसके साथ खड़ी उसके साथ खेल रही है। वाह डेजी यार, डेजी जैसा होना चाहिए, देखते थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है डेजी को, लेकिन वो देखें वो घबरा रही है, लेकिन एनजी को चेक करें, एनजी करें मुझे खोले मैं इसको पढ़ जाऊं। एनजी को ये चीज़ सबक सिखाना पड़ेगा कि यार किस तरह बर्ड्स और पेट्स लवर होते हैं। हाँ जी जाओ उड़ के जाओ, काटो उसको, वो देख यार उसकी बदमाशियाँ। लिली खुदा का खौफ कर यार, क्या कर रही हो, उसको मारने जा रही, उसने एक मारना है, तूने उधर ही गिरे पड़े हो ना। नहीं, मेरी लिली है, आओ आ जाओ शाबाश, आ जाओ, जम मारो, जंप करो, कोशिश करो, फ्लाई करो, जैसे गई हो वैसे फ्लाई करो यार, आ जाओ यार, वो मारेंगे, नहीं वो उनको भी डरा रही है। हे ये तो अलग बदमाशी करी जा रही है यार, मास्टर केज में आके इसने कहा कि यार मैं जायद भाई के साथ आई हूँ और उनका बॉडी गार्ड हूँ, वो चेक करें, वो देखें वो भाग रहे हैं सारे। अपडेट है भाई, तुम उस खुडे लाइन में लग गए हो, ये इस खुडे लाइन में लग गए, ये पेटी मैंने किस लिए रखी थी, तुम इस पे बैठो, वो स्टिक तो है बैठने के लिए, इस पे अंडे देने हैं, समझ आई, कोने में मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही, अंडे शंडों पे तो नहीं आ गई वो भी, जहाँ दिल करता भी दे दो फिन टेल वाले खूबसूरत शाकारों अंडे दे दो। अच्छा यार दोस्तों आपको मज़े की बात बताऊँ,
बबली और भालू आपस में सेटिंग बन चुकी हुई है। अब भालू उसको घर में फिर कह रहा है, आ जाओ ये घर है और यहाँ पर इस दफा ना हम सेफली बच्चे देंगे, ताकि यार वो पिछली दफा याद है ना आपको कि इसके यार दो बेबीज ना उसी दिन फोत हो गए थे, मर गए थे यार, तो इस दफा चांस है कि यार अपने बच्चे बचा लेगी। इनकी जो सेटिंग नहीं बैठ रही ना, सबसे बुरी बात ये है जो तुम लोग अपनी सेटिंग नहीं बिठा रहे ना, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि चार थे तीन रह गए, पांच थे फिर तीन रह गए, पांच तीन चार तीन तीन पे आ गए हो, बढ़ाओ फैमिली, फैमिली प्लानिंग नहीं करो। तुम्हें पता है कौन आया, ये देखो कलरफुल कौन आया, कलरफुल लिली आई। अरे लिली पूरे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में ना मेरे साथ घूम रही है, इधर आओ मिलोगी इससे, इधर आओ ना मिलो ना, तुम्हारा एक ही कलर है, वो भी ऐसे दरख्तों में, ऐसे दरख्तों में खड़ी होती है ना तो पता भी नहीं चलता, बिल्कुल लगता है कि दरख्त ही है, सेम उसी कंडीशन में, बिल्कुल सेम कलर में। सुन तेरे पास एक मौका है, आज मैं लिली को अंदर छोड़ दूँ, जितने इसके बाल खींचने हैं खींच ले, क्या कहता है? ओ तेरी पी निकल गई है, ये सुन के तेरी अपनी पी निकल गई है, छोड़ यार, इतने छोटे दिल के, इसका मतलब है इसको याद है कि लिली का काटना, लिली का काटना याद आया, वो भाग गया, देखा ना, इसको याद है कि लिली ने मुझे भी काटा था एक दफ़ा, इसको ऐसे ख्याल आया तो इसके पास निकल गया, निकल गया, जो निकलना था निकल गया, रहने दे अब, रहने दे जितना मर्जी शेरमान, अब नहीं, अब नहीं दोस्तों। ओहो ऊपर भाग गई है, इधर आओ लिली, इधर आओ जल्दी करो, बिल्ली ना आ जाए पीछे से, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर आओ इधर आओ, शाम तेरी खैर, उड़ गई उड़ गई, ओए ओए ना कर यार, क्या कर रही हो, ये क्यों सी हरकतें करना शुरू कर गई, इधर आओ चलो इधर आओ, गंदे काम, इधर आओ इधर आओ, ये क्या करना शुरू कर दिया, पागल हो यार, मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी, मैं नहीं छोड़ा अब, चलो अब घर में चलो यार, ये काम है तुम्हें वफादार समझता हूँ, तुम ऐसे ना किया करो यार, चलो ना, रुक रुक, अब मुझे मेरे साथ करेगी, चल घर के अंदर। ओह यार मैंने कहा गई भाई आज तो गई, पहले इसने उधर फ्लाई किया, मैंने कहा उधर से बिल्ली ने आया एकदम आके इस पर अटैक करना था, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ बैठी हुई थी, बिल्लियाँ तो यहाँ घूमती रहती हैं, चिकू हो तो फिर नहीं आती, फिर दूसरा इसने वहाँ से उधर फ्लाई किया, ओए अल्लाह की बंदी क्या मेरा तूने हाल कर दिया, कोई नहीं मैं अब ये लॉक ख़त्म, कहानी बाय बाय टाटा बंद, बस तुम भी इस तरह, मैं तुम्हारे पर नहीं काटता कि तुम्हारी वफादारी साबित हो और तुम मेरे साथ बेवफाई करती हो यार, फिर मुझे इसके ना काटने पड़ेंगे, पर यार दिल हिला दिया यार इसने मेरा एकदम, वहाँ से मैं बैठा यार कुछ हो गया, वो देखें वो देखें काठे काहे काठे वो देखें, माशाल्लाह घर के पास चेक करें अब पेड़ बन जाएगा इनका भी यार, गुड न्यूज़ एक और गुड न्यूज़, वेल डन वेल डन, वो देखें घर के अंदर जाना है, सर्वे कर रहा है सर्वे कर रहा है, उसका जो मालिक है ना यानी कि ओनर हस्बैंड वो ना यम यम घर का सर्वे कर रहा है, वेल डन यार जाहिद भाई जिंदाबाद, दिल खुश हो गया भाई, अब यही चीज़ें चाहिए ना यार, लेकिन यार लिली अब नहीं यार मैं बस यार सच्ची क्या यार, उसने मेरा दिल निकाल दिया था, मैंने कहा गई मेरी शहजादी, इतना उसको नज़र लग जानी थी यार, बस अब इसको अंदर ही रखते हैं बस। नीचे क्यों बैठे हुए हो, ऊपर से सारी नेस्टिंग उठानी है, सारी नेस्टिंग उठा के करो, क्या है क्या हुआ, खैर हुए तेरी मुझे खैर नहीं मिलती, मसला बता क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा था ना वो चला जाता है इसी तरह भाई, देख लिया पहले भी किसी तरह चला, यही बात है, इसका मतलब है कि वो उसकी चहलकदमी ना उसको पसंद है, उसको बाहर चलना फिरना ना पसंद है, हमजा कैसे आया बाहर, वो देख आगे से रुक भी नहीं रहा, मेरा परेशान हो गया, आप साफ हो, लेकिन अब वो जो सफाई वाला बंदा है ना वो आ जाए, अल्लाह करे चौथा दिन है आज हमें टेंशन में लिए हुए, बाहर निकाल इसको, ले इसी तरह खाते खाते ले जा, खाते खाते ले जा यार, ले आओ यार, क्या कसम से, अब ये अपनी चीज़ हो ना तो बंदे को ये टेंशन नहीं होती यार, उसको उस हिसाब से रखना है, अब अपनी चीज़ भी नहीं है, ऊपर से ये टेंशन है यार इसकी कि ये अब बाहर निकलना शुरू हो गया, अगर हमसे कहीं चला गया ना तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के, और हमें फिर बड़ी टेंशन है कि यार होगा क्या, ले जास अंदर ले जास यार, अजीब बात है यार इसकी, इसको बंद कर यार, ये फिर बाहर निकल के ऊपर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं आगे जाता हूँ ये देख मुझे टकराने की कोशिश कर रहा है, ये मुझसे पकड़ाई भी नहीं दे रहा, चल निकल यार, और ये देख यार ऊपर से मैं इसको पकड़ के घसीट घसीट के लाऊं, जैसे ही छोड़ा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, अजीब है यार, एक तो खिलाएं पिलाएं ऊपर से कुट भी खाएं, ऊपर से है भी किसका ये भी नहीं पता, लेके जा यार लेके जा इसको बंद कर, ये देखें हरकतें चेक करें, बाहर घूमना इसको पसंद है, ये कोई शॉपिंग ये लड़की तो नहीं है, है तो लड़का ही, शॉपिंग शॉपिंग का तो नहीं इसका मूड यार कोई भागने भूगने का, लेके जा यार लेके जा, छोड़ छोड़ मैं इसको घसीटता हूँ, चल जा चल चल जा घर जा, उधर बंद कर यार, दोस्तों यार आपसे लूँगा इजाज़त,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।